ऑलराइट फाइनल आप पहुंच चुके भाई के ब्रीडिंग सेटअप पे। एंड जैसे आपने बहुत सारे कमेंट्स में बहुत कमेंट किया था कि मेन ग्रून किटन्स खाना, तो फाइनली आज आपको बहुत सारे मेन ग्रून किटन्स दिखाने वाले हैं एंड बहुत सारे अलग टाइप्स के आपको किटन्स देखने मिलेंगे। ओके, तो अभी फाइनली हम आपको बहुत सारे अलग टाइप्स के मेन ग्रून दिखाएंगे विद अलग अलग कलर में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर सब्सक्राइब करना, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। भाई अपने को दिखाने वाले बताओ भाई, अभी अपने को बेबीज के बारे में क्या किटन्स कौन कौन से अवेलेबल है। ये व्हाइट फीमेल के सिर्फ तीन ही किटन है। हाँ, एक व्हाइट मेल है, बहुत व्हाइट मेल है, बहुत ब्यूटीफुल है गाइस, देख सकते हो इतना प्यारा है ये। मतलब वन इन इंडिया है? यस, ये एक ही, मतलब काफी रेयर है, काफी रेयर है, एक ही पीस है इंडिया में व्हाइट मेल का। देखो कितना प्यारा क्यूट किटन है व्हाइट मेल। इसके बाद ब्लू आइज है, ब्लू आइज अभी 45 डेज के बाद पता चलता है कि ब्लू है। हाँ, नॉर्मल है, फिर ऑड है, ऑड भी निकल सकता है, ब्लू भी निकल सकता है, अभी कुछ बोल नहीं सकते अभी। अरे इसमें मेल फीमेल भी कंफर्म नहीं रहेगा ना बेबी में। ये मेल है, ये मेल है, ये मेल है, और ये मेल है। एंड अभी ये देखिए दूसरी, ये फीमेल है, इसकी फीमेल है। जी जी, ये फीमेल है, देखो गाइस ये फीमेल है, और ये ब्राउन एंड व्हाइट मेल है, ये मेल है जी। इसका कलर देख गाइस थोड़ा डिफरेंट से व्हाइट में, थोड़ा रेयर है। हाँ, रेयर चॉकलेट एंड व्हाइट है, चॉकलेट एंड व्हाइट में। देखिए इसका फेस, देख इतना क्यूट फेस है। एंड इसकी मदर जो है व्हाइट, व्हाइट मदर है, मून फेरी, मून फेरी नाम है मदर का। तो गाइस इसके लिए आप लोग बहुत सारा डिमांड कर रहे थे कि ये सेल के लिए, नॉट फॉर सेल है, पर अभी भाई ये सेल के लिए, सेल के लिए। मेरी इम्पोर्ट फीमेल है, अगर किसी को भी चाहिए तो मुझे सब कर दे तो मैं बता दूंगा इसका जो भी है डिटेल्स। तो बहुत टाइम से मतलब वेट करते पब्लिक, आप फाइनली मतलब ये सेल के लिए, ये भी सेल के लिए, मदर भी एंड फीमेल भी। फीमेल एक बार भाई दिखा दो, ये मेल दिखा दो अपना व्हाइट वाला। ये तो खाई कितनी क्यूट है, ये भी सेल के लिए ना भाई? ये भी सेल के लिए है। देखिए गाइस अभी इधर पे थ्री बेबीज है, और बहुत सारे अभी आपको लाइन से दिखाएंगे। ये अपने हो गए थ्री बेबीज, जो कि इनके बेबीज है ना, अपने मून फेरी के, मून फेरी के। अभी इनका फादर भी दिखाऊंगा, मंदिर जो कौन सा फादर है। हाँ। बाकी अभी ओएमजी के किटन से, जो कि अभी छोटे है, क्योंकि तो 1 वीक ओल्ड है, बहुत छोटे है। एक्चुअली ये टू फीमेल्स के किटन से, एक फीमेल्स के किटन नहीं है अभी, टू फीमेल के, टू फीमेल्स के हैं। ये नॉट फॉर सेल रहेगा ना अभी, क्योंकि बेबी से अभी बहुत छोटे हैं ये, अभी आईज भी ओपन नहीं हुए। गाइस पर टच नहीं करना चाहिए बेबीज को, तो दूर से दिखा दे रही है। तो मतलब एडवांस बुकिंग रहेगी ना अपने इधर पे? हाँ, एडवांस बुकिंग है, अगर आप बुक करते हो तो कोई भी किटन बुक हो जाएगा। तो इसमें भाई टोटल कितने रहेंगे अपने इधर बेबीज भी, टोटल कितने? अभी टोटल तो मैं कौन बता नहीं सकता, दस है, अच्छे खासे बेबीज है मेरे पास। अभी कोई कैटरी पर विजिट करेगा तो मैं उसको बता दूंगा कि देखो ऐसा ऐसा है, उसको मैं दिखा दूंगा। अच्छा, मतलब अभी किसी को विजिट करना रहेगा तो कर सकते हो? कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, आप विजिट करके देखते हैं फिर आप बुक करेंगे। ओके गाइस अभी देख सकते हैं, मैंने आपको ऐसे बताया, मतलब आप लोगों को खरीदना रहेगा ना, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम लगा भाई आप लोग इधर आके चेक कर सकते हैं, जितने भी रहेगा आके चेक कर सकते हैं। आपको पूरी कैटरी दिखा दूंगा, पूरा मेल फीमेल मदर फादर सब बिल्कुल दिखा दूंगा, फिर आप देखकर फिर करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था भाई ने अपना पूरा पासवर्ड पेडिग्री पूरा दिखाया था, तो वैसे आप पूरा चेक कर सकते हैं किटन्स देते कितने। माशाल्लाह बहुत अच्छे किटन्स देख सकते, क्वालिटी वाले। हाँ भाई बोल रहे, क्या बोल रहे? तीन किटन और है अंदर जो रेडी फॉर सेल है, वही मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो अभी गाइस अभी हम लोग ने इधर पे थ्री फीमेल मतलब थ्री बेबीज देख ली, थ्री एंड इधर भी बहुत सारे स्मॉल बेबीज है। कितने कितने मंथ के रहेंगे भाई लोग, कितने दिन के रहेंगे? दिन के 1 वीक के। एंड वो जो ये वाले जो है 15 डेज के। और भाई ये लोग ग्रोथ जो होती है बहुत जल्दी होती है ना मेन कून्स की? बहुत फास्ट। ओके, तो हाँ बोलो। 10 डेज में ये आई ओपन कर देते हैं। अच्छा, 10 डेज में आई ओपन, और 15 डेज में हल्का के चलने लगते हैं, जैसे ही चल रहे हैं ना। हाँ, ये व्हाइट वाला जैसे, हाँ अभी चल रहे हैं ना, इसका चलने स्टार्ट कर दो 15 डेज। तो अभी हम देखेंगे अंदर भी थ्री, कितने भाई कितने मंथ से रहेंगे अंदर? 2 मंथ्स के रिटर्न से, 2 मंथ्स के। तो मतलब ये मैं मून फेरी गई, ये मून फेरी के अंदर दूसरी फीमेल के, जो 2 मंथ्स के। तो चलिए अभी छोटे बेबी से देख लिया, और थोड़े कितने मंथ्स के रहेंगे? 2 मंथ्स के। 2 मंथ्स के ये सब कितने मंथ के थे? ये 15 डेज के किटन, ये 15 डेज के थे, और ये वाले ये 1 वीक के, 1 वीक के थे। अभी दो देख लिया, अब 2 मंथ्स के देखेंगे, 2 मंथ्स के देखना। तो चलिए अंदर चलते हैं और 2 मंथ्स के अब बेबी देखते हैं। अभी भाई के मतलब जो दूसरे रूम में थे उसमें, एंड जो थ्री मतलब 2 मंथ्स के किटन से, वो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। और ये देखिएगा इस फाइनली अपने पास है 3 किटन से। भाई कौन से ब्रीड है? मेन कून्स की है, मेन कून्स के। कितना मतलब वेट क्या रहेगा? अब इनका वेट 1200 ग्राम। और मैंने सुना है मेन कून के मतलब जो बोन्स होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं।
और काफी सारे एक्टिव भी है, देख सकते हैं ब्लैक वाला, जैसे कितने प्यारे यार सब, जितने भी गाइस देख रहे हैं ना सब किटन्स, आपको मुंबई में देखने को नहीं मिलेंगे, इतने रेयर कर रहे हैं। पैटर्न जैसे पूरा फुल लेपर्ड टाइप में भी दिया है, मिक्स है पूरा फुल, ये देखिए गाइस। और ये देखिए पूरा सॉक्स की तरह इसके हैंड्स है, बहुत ऑसम पैटर्न आया है, ये मेल किटन है। और गाइस देखते बेबीज अभी कितने बड़े लग रहे हैं, अभी से बेबीज अभी और बढ़ने वाले हैं। ये मेरे पास स्मोक कलर की फीमेल है, स्मोक ये बहुत रेयर मिलती है, स्मोक बहुत लोग पूछते हैं स्मोक, स्मोक ये स्मोक में काफी ज्यादा मतलब हाँ एक हुआ था बहुत डिमांड आई थी, अभी तक डिमांड है कि स्मोक कब आएगा, तो स्मोक आ गया है। मेन कुल में गाइस देखना ये जो कलर है ना काफी ज्यादा मतलब चलता है, बहुत पब्लिक ना इसको रखने का मतलब रखती है, क्योंकि काफी रेयर भी है और सबके पसंदीदा कलर है। कौन सा भाई बोले कलर? स्मोक कलर, स्मोक कलर में। तो ये अपनी दो हो गई, एंड भाई का एक और है वो दिखाते हैं, थोड़ा वो साइड चली गई है, एंड ये वाली है, ये भी है, ये स्मोक है, भी स्मोक है। तो जितने भाई अपने तीनों दिखाए हैं मतलब वो तीनों टू मंथ्स के ही है, ये टू मंथ्स के। और इनकी मदर एक ही है ना, मदर एक इनकी मदर भी दिखा दो ना एक बार, गाइस इतने क्यूट से बेबी थे, इनकी मदर्स भी ना और एकदम अच्छी लगी। ये देखिए गाइस ये जैसे कितनी बड़ी है, ये मदर है ना, मदर ऐसा फेस देख सकते हैं कितना क्यूट है। एंड भाई ये सेल के लिए? नहीं ये सेल के लिए, नॉट फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है। देखिए गाइस कितनी क्यूट है। तो ये थी जो टू मंथ्स के थे ना बेबी, तो इनकी दी है, ये देखिए ये रही मदर और इधर पे बेबी से इनके, एक वन टू और थर्ड भी है, ये रहा थर्ड। सो गाइस अभी हमने मैंने आपको दिखा दी ना किटन्स जो थे टू मंथ्स के, एंड अभी इसका ना बहुत लोग को ना डाउट रहेगा कि मतलब क्या डाइट रहेगा, कैसे क्या रहती है, वो सब भी भाई अपने को बताने वाले हैं, क्या फूड देने का जो बेस्ट क्वालिटी का रहे एंड काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाए, क्योंकि जो मेन पर ना काफ़ी बड़े जाते हैं, तो वो हिसाब से ना भाई अपने को पूरा केयर बताने वाले कि क्या कैसा केयर रहेगा, क्या डाइट रहेगा, पूरा आपको केयर बताने वाले। तो अभी इधर पे मेन को से बेबी से, तो भाई अभी बताओ कि क्या ऐसा डाइट रहेगा, क्या प्लान रहेगा, कैसा क्या रहेगा? हमारे यहाँ पे जो सुबह को डाइट देते हैं 10 बजे हम चिकन मटन और बॉइल्ड फिश, हर दिन एक दिन चिकन रहेगा, एक दिन मटन रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे मटन खा लिए, यहाँ पर ये सब बीफ खा लिए कीमा करके, सुबह 10 बजे ये रहता है। फिर 2 बजे के टाइम पर उनको न्यूट्रिशन देते हैं, ओमेगा 6 ओमेगा 3 जो ऑयल रहता है वो 1-1 लेवल फैट को जाता है, 5 बजे ड्राई फ्रूट रहता है, 10 बजे ड्राई फ्रूट रहता है। जो भी कोई लेगा तो भाई आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, हम पूरा गाइड कर देंगे आपको कि कौन सा खाना दिया जाता है और कितना कितने टाइम होना है, आपको पूरा गाइड करेंगे, हेल्थ का भी, हेल्थ का भी कर और मेडिसिन का भी सब। और किसी को अगर सिर्फ फूड्स पर खाना रखा तो फूड्स पर रह सकती है कैट? जी हाँ फूड्स पर भी रह सकते हैं, लेकिन ये कैट अगर जितना बोझ मिला होगा, जितना मदद मिला होगा, उतना साइज बढ़ेगा, उतने मतलब बोझ पकड़ेंगे, फूड से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो मतलब क्या कौन सा फूड, कौन सी कंपनी का देना चाहिए अपने को फूड में इनको? देते हैं टेस्ट ऑफ फाइट, देते हैं एनर्जी, देते हैं आयरन, देते हैं अगर कोई सिंगल फूड भी देंगे तो भी वर्क करेगा। अच्छा तो अभी भाई मतलब अभी थोड़ा समय लगा, थोड़ा गर्मी भी चालू है, मतलब ठंडी आ चुकी है, पर अभी थोड़ा क्लाइमेट आप देख सकते हैं बाहर गाइस, देखिए कितना धूप है। तो ऐसा बहुत जगह रहता है, तो मतलब कैसा क्या रहता है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब कहाँ से रेस्टोरेंट से आती है, तो कितना कोल्ड जगह है, कंट्री कितनी कोल्ड है पूरा, तो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? अगर आप अभी हम लोग ने जो इनको पहले शिमला में इम्पोर्ट किया था वेदर के लिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर मुंबई में लाते तो ये ऑफ हो जाते हैं, रहते ही तो इंडिया का टेम्परेचर क्लाइमेट के हिसाब से पहले टेस्ट करने के लिए इनको पहले शिमला उतारा फिर मुंबई लाए। अभी देख सकते हो कि आप अभी नॉर्मल टेम्परेचर में भी इजी रह सकते हो, बिल्कुल हाफ भी नहीं रहे, तो ऐसा हम लोग ने पूरा मेंटेन किया है यहाँ पर। कोई कस्टमर के पास एसी नहीं है यहाँ पे, उनको नहीं ऑफर कर सकते, पूरा जो कोई कस्टमर चला ही सकता है, तो नॉर्मली अगर आप दिन में या रात में चला तो कोई ना फैन के लिए, तो फैंस पे सरवाइव कर सकते हैं ना, सरवाइव कर सकते हैं, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उसमें सरवाइव कर सकते हैं। तो मैं चाहिए तो उन्होंने कोल्ड चाहिए, अगर आपको एसी प्रोवाइड करा सकते तो प्रोवाइड करना बेस्ट रहेगा ना, अगर एसी प्रोवाइड कर सकते तो फिर बेस्ट रहेगा, नहीं अगर दिन में दूसरा घंटा भी कर सकते तो ठीक है बेस्ट है, क्योंकि अभी थोड़ा ठंडी का सीजन भी आ रहा है तो उतना जरूरत नहीं पड़ने वाली है ऐसे, तो सीजन है अभी मतलब फरवरी तक तो नहीं पड़ने वाली। हाँ तो ऐसे केयर रहेगी इसकी, और यही सब पूरा आपको किटन्स बता दिए, यही सब किटन्स का। एंड जो भाई अपन जो स्मॉल किटन्स देखे वो आप कैसे केयर करते हो उन लोगों को? उनको ज़्यादातर मदर ही फीड देते हैं, हाँ अभी 25 डेज तक मदर फीड रहेगा, तो उसके बाद हम
मुझे एक्स्ट्रा केयर रहता है वो एक्स्ट्रा केयर में 45 डेज के बाद उनको चिकना वो खाने लग जाएंगे। हाँ स्टार्ट कर देंगे, बाकी उनको जो हम लोग रात रात को मतलब मदर के साथ ही छोड़ देने का, मदर के साथ छोड़ दे, लेकिन रात में हम लोग जाते हैं क्योंकि बहुत सारे फीडर्स होते हैं जो कि फीड नहीं ले पाते और साइड में सो जाते हैं। हाँ सोते हैं तो उनको पता नहीं रहता कि उन्होंने फीड लिया है कि नहीं लिया है। हाँ तो साइड में पड़े 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 ऑफ हो जाता है फीडर। हाँ तो हम लोग को रात में जानना पड़ता है कि इसने फीड, हर 3 घंटे उनको फीड देना पड़ता है, लगाना पड़ता है ताकि चेक करना पड़ता है कि उन्होंने फीड बराबर लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि बहुत सारे फीडर्स फीड नहीं लेने की वजह से साइड में बैठे बैठे ऑफ हो जाते हैं, ऐसा होता है यहाँ पर। सेल्फ फीड कब से करने लगेंगे फिर लोग? सेल्फ फीड 25 डेज से स्टार्ट कर दी, तो 15 डेज के खाना रख देता हूँ। हाँ। तो अभी से खाना खाने में मुंह आते हैं, हम लोग हटा देते हैं क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होगा। ओके 15 डेज के है तो करके इसी 25 डेज बाद उनको डायरेक्ट ये कीमा ही जाएगा। तो अभी कितने एज करेंगे तब आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने जो व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर्स कितने भी हैं? हम 2 मंथ्स तक, 2 मंथ्स के बाद हम लोग अपने कस्टमर्स को दे देंगे, लेकिन बुकिंग जो है वो अभी करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ। अभी नहीं करेंगे तो फिर निकल जाएंगे। हाँ ये बहुत गाइस, जैसे मैंने बताया मुंबई में ना अगर आप कोई भी देखना मेन पूरी किटन से आपको देखने ही मिलेगी किटन से, तो जिसको चलेगा कितने में टोटल अपने आप थोड़े ही बचे ना 10-15 देने के, तो जिसको भी चाहिए फटाफट ना बुकिंग कर लेना, स्क्रीन पर नंबर आता रहेगा एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी भाई का डाल दूंगा मैं। और किसको आना था भाई आ सकता है कैट्स देखने के लिए? हर घर में पूरा अपने लोकेशन डाल दूंगा, किसको भी पर भाई कॉल कर देना फिर आना एंड जो भी आपको कैट्स देखना है ना अगर आप ऐसे भी आ सकते हैं देखने के लिए कैसे कैट है, बहुत तो रहता है ना देखने के लिए कैट रहती है क्योंकि इंडिया में तो ज़्यादा पता नहीं मेन बोल आ सकते तो वैसा अगर बिजनेस के लिए भी करना है पेट शॉप के लिए तो वो सब भी प्रोवाइड हो जाता है। हो सकता है पेट शॉप में चाहिए आपको कोई कस्टमर है तो वो भी आ सकते हैं आ सकते हैं। तो ये था ब्लॉग, तो मैंने आपको पूरा वाले टाइप्स के दिखा दिए इधर किटन जितने भी थे। तो अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नीचे सब्सक्राइब करो बाजू में पहले ऑल ए प्लस के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड कमेंट बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और नेक्स्ट ब्लॉग किस टॉपिक पे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।